नमस्ते, आप सभी को मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सचिन पायलट के आंदोलन से बीजेपी में पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पायलट की मांग को लेकर समर्थन दिया है। शेखावत ने वसुंधरा राजे पर भी बिना नाम लिए निशाना लगाया। शेखावत के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। शेखावत ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए, चाहे ये भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शेखावत के इस बयान को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस बयान से बीजेपी में भी उथल पुथल का माहौल है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के मुद्दों को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है तो जांच होनी चाहिए। इस दौरान ना तो पॉलिटिकल कारण के चलते जांच रोकनी चाहिए और ना ही पॉलिटिकल द्वेषता से जांच करनी चाहिए, केवल करप्शन मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर गजेंद्र सिंह ने भी भ्रष्टाचार किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए मामले की जांच होना जरूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे को ढकने का प्रयास करते हैं तो ये लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने का प्रयास है। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरणा, राम सिंह बिश्नोई, पूनम चंद बिश्नोई जैसे कई दिग्गज नेता थे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इन सभी राजनेताओं का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जोधपुर में उनके बेटे की हार को लेकर गहलोत के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है। पहली बार राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को किसी ने चुनौती दी है। राजस्थान में चुनावी माहौल शुरू हो गया है। इस बार सबसे ज्यादा नजर पायलट के कदम पर है। उनके मुद्दे का समर्थन विपक्ष भी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि पायलट कांग्रेस से अलविदा कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट कांग्रेस से अलविदा कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।